की ओर से हम सभी यहाँ पे उपस्थित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संजीवनी शारदा केंद्र एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है जो विगत 32 वर्षों से समाज में कार्य कर रहा है, समाज के लिए, समाज के द्वारा और समाज के सहयोग से। विगत कई वर्षों से हम नवरेह का कार्यक्रम मना रहे हैं, लेकिन गत वर्ष से इस कार्यक्रम का जो स्वरूप है वो वैश्विक किया गया है, यानी ग्लोबल लेवल पर हम नवरेह महोत्सव का कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं गत वर्ष से। और इस वर्ष भी नवरेह महोत्सव 2022 की घोषणा की गई है और इसके अंतर्गत हमारे 3 कार्यक्रम रहेंगे। नवरेह का शब्द जो है कश्मीरी का मूल शब्द है जिसका अर्थ है नव वर्ष, यानी भारतीय संस्कृति में रचा बसा जो सनातन हिंदू संस्कृति का जो नव वर्ष है जो सभी भारतीय मनाते आ रहे हैं, वही वर्ष नव वर्ष जो है जब कश्मीर में ये मनाया जाता है तो इसका नाम जो है वह नवरे है। इस नव वर्ष महोत्सव के अंतर्गत 3 कार्यक्रम हैं जो नवरे से एक दिन पूर्व, नवरेह के एक दिन बाद और नवरेह के दिन स्वतः ही। नवरेह के एक दिन पूर्व जो है इस बार जो कैलेंडर की तिथियां जो आ रही हैं 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल। 1 अप्रैल को श्री भट्ट की स्मृति में ये दिवस मनाया जाएगा और इसका नाम दिया गया है श्री भट्ट स्मृति दिवस। इस दिन सामाजिक जो संगठन है वे अपने स्तर पर कश्मीर के जो महापुरुष है, सम्राट ललितादित्य, कोटा रानी, बीरबल, हर, पंडित कृपाराम और गुरु तेग बहादुर जिनका 400वां प्रकाश पर्व चल रहा है, इन सभी महापुरुषों पर और इससे भी जो महापुरुष हमारे कश्मीर के हैं, विभिन्न महापुरुषों के की जीवनी, जीवन के प्रेरक प्रसंगों पर हमारा जो समाज है, विभिन्न सामाजिक संगठन जो हैं वह उस दिन ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्यक्रम करेंगे। यह दिन वैदाचार्य श्री भट्ट को समर्पित है जो 15वीं शताब्दी के वैदाचारी हुए हैं, जिस समय जैनुल आबदीन वहाँ के शासक थे और उन्हें एक जानलेवा फोड़ा जो उनके शरीर पर उभर आया था उस रोग से उन्होंने उनको इलाज किया, मुक्त। विभिन्न सामाजिक संगठन इस दिन कश्मीर के महापुरुषों पर, उनकी जीवनी पर, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर, उनके प्रेरक प्रसंगों पर कार्यक्रम करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन। जो दूसरा दिन है वह है नवरेह संकल्प दिवस। यह दिवस भारतीय संस्कृति में रचे बसे नववर्ष को समर्पित है जो हम सभी मनाते हैं। इस दिन एक विशेष बात जो जोड़ी गई है, कश्मीर में प्रायः सभी सुबह भरी हुई पारंपरिक सजी हुई थाली का जिसमें धन्य धान्य होता था उसका दर्शन करते थे। उस दर्शन के साथ ही एक बात जोड़ी गई है कि उस दिन सभी समाज एक संकल्प लेगा कि अगला नववर्ष जो है हम कश्मीर में अपनी मातृभूमि में, अपनी जन्मभूमि में मनाएंगे, ऐसा संकल्प लेंगे। जो तीसरा दिन है वह है शौर्य दिवस, जो सम्राट ललितादित्य के शौर्य को समर्पित है, उनके विजय को समर्पित है। इस दिन उद्बोधन होगा ऑनलाइन सुबह 10:30 बजे और यह लाइव होगा संजीवनी शारदा केंद्र के फेसबुक के पटल पर, और उद्बोधन देंगे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी उद्बोधन देंगे और मार्गदर्शन करेंगे पूरे समाज को।